रोमन रेंस नहीं आने वाले हैं इस साल में, ठीक है भाई, लेकिन क्या उसोस भी नहीं आएंगे हैं इस साल में, तो कैसे उसके बारे में बात करने वाले। बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले रोमन रेंस द ब्लड लाइन के फ्यूचर प्लान्स के बारे में, और यहाँ बात करने वाले मुस्तफ़ा अली के बारे में, क्योंकि मुस्तफ़ा अली लड़ना चाहते हैं सेथ फ्रिकिन रॉलिंस से, तो भाई उन्होंने क्या कहा है वो भी बताएंगे। और यहाँ बात करने वाले MITB 2020 जो कि होने वाला है MGM ग्रैंड एरिना में, उसकी टिकट सेलिंग के बारे में और भी अपडेट्स है, सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देख लो बिना स्किप किए। अगर आपने स्किप किया तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। मैं चैनल पर नया को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देता हूँ, शेयर कर देना, कि उस चैनल पर आपको WWE की न्यूज और अपडेट देखने को मिलती रहती है। चलिए आज के कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे बातों को शुरू कर लेंगे भाई मनी इन द बैंक 2022 पे व्यू के साथ, तो आपको ये तो पता ही होगा एरिना स्टेडियम से यहाँ पे जो लोकेशन शिफ्ट कर दी गई है MGM ग्रैंड एरिना में, और यहाँ पे जो 12,000 की कैपेसिटी WWE रखने वाली है, और फिलहाल इन्होंने 10,363 जो कैपेसिटी ओपन की है और 9,533 टिकटें बिक चुकी है और 823 टिकटें फिलहाल जो लेफ्ट है, तो काफी अच्छी टिकट सेलिंग चल रही है और टिकट सेलिंग जो है ना अभी ओपन हुए 2 दिन हुए, और मुझे लगता है टोटल यहाँ पे जो 12,000 जो कैपेसिटी होने वाली कंप्लीट में देखना है। इंटरेस्टिंग होगा फाइनल जो यहाँ पे WWE कितने टिकट अलॉट करती है और कितने टिकट बिकती है। मेरे हिसाब से जो शो है वो पूरा सोल्ड आउट होने वाला है हेल सेल की तरह, और हेल ने सेल जितनी ऑडियंस भी हमें आती हुई नजर आएगी 12,000। तो भाई फिलहाल तो ये कुछ टिकट सेलिंग 9,533 टिकट बिक चुकी है और 823 टिकट लेफ्ट। बात करेंगे भाई एलेक्सा ब्लिस के बारे में, तो हाल ही में एलेक्सा ब्लिस जो इंटरव्यू देने आई होती है WWE के बम के एपिसोड पे, और यहाँ पे वो बताती है कि जो कितना ज्यादा जो शेड्यूल है टाइट होता है WWE सुपरस्टार का, और वो कहती है कि मुझे जो अभी है ना एक रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे मैं अपनी पर्सनल लाइफ और जो कॉर्पोरेट लाइफ मतलब जो WWE लाइफ है उसको जो है ना सेपरेट कर सकूं, क्योंकि फिलहाल वो जैसे बताती है कि जब मैं अपने हस्बैंड रायन से नहीं मिली थी तो जब मेरी शादी वो WWE से हो रखी थी और जब मैं पूरा टाइम है अपने WWE को देखती थी, लेकिन अभी तो भाई उनकी शादी हो चुकी है रायन की वजह से, तो अभी जो उनकी लाइफ वो पूरी तरीके से बिल्कुल चेंज हो चुकी है। और ऑब्वियसली बात है जो भाई अपन को भी नहीं पता चलता है ना लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे भाई ये कितना ट्रैवल करते कितना जो इनका शेड्यूल बिजी रहता है, वो यहाँ पर कहती है हमारा जो शेड्यूल काफी ज्यादा बिजी हो रहता है और टाइट रहता है। एग्जाम्पल कहती है कि देखो भाई पिछले 3 दिन में मैंने जो आज 5वीं फ्लाइट पकड़ लियो, भाई 3 दिन में 5वीं फ्लाइट पकड़ना काफी बड़ी बात होती है, तो वो कहती है भाई अब जो काफी ज्यादा मेरा शेड्यूल टाइट हो चुका है और अब मुझे रास्ता निकालना पड़ा जिससे मैं अपनी पर्सनल लाइफ और WWE लाइफ को जो अलग कर सकूं, तो भाई मैं यही बताना चाहता था कि WWE सुपरस्टार का जो शेड्यूल है काफी ज्यादा टाइट हो गया। जैसे बात करेंगे भाई लेसी इवेंट्स के बारे में, तो लेसी इवेंट्स को लेकर जो मामला बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है, यहाँ पर भाई पहले वो स्मैकडाउन में डेब्यू किया, फिर स्मैकडाउन से उनको भाई रॉ में भेजा गया, और अब भाई PW इनसाइडर की रिपोर्ट आई है कि इंटरनली जो इनको वापस रॉ से स्मैकडाउन में भेज दिया गया, इसके पीछे का क्या रीजन है वो ना निकल के सामने आया भाई मेरे को भी नहीं पता है, अब देखते हैं फ्यूचर प्लान क्या होता है। लेकिन फिलहाल के लिए भाई ये जो वापस एक बार फिर से स्मैकडाउन में जा चुकी है, भाई कुछ भी हो बस निकाल मत देना कंपनी से। ऐसे बात करेंगे भाई मुस्तफा अली के बारे में, तो मुस्तफा अली में जो हाल ही में इंटरव्यू में आए होते हैं और यहाँ पे वो अपने ना फ्यूचर अपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं, कहते हैं कि एक बार जो मेरा यूनाइटेड स्टेट चैंपियन थ्योरी से भाई काम निपट जाए, मैं नया US चैंपियन बन जाऊँ, फिर जो मैं ना मिस से लड़ना चाहूंगा, और मिस के बाद जो मैं किसी से लड़ना चाहूंगा तो वो सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। काफी लंबे टाइम से जो मैं और सेथ रॉलिंस मैच का वेट कर रहे, सेथ रॉलिंस का पता नहीं, लेकिन भाई वो जो काफी लंबे टाइम से उसका वेट कर रहे, और यहाँ पे जो फैंस भी ये मैच देखना चाहते हो कहते हैं भाई मैं सेथ रॉलिंस से पिछले लंबे टाइम से काफी ज्यादा फ्रेंड्स रह चुके हैं, एक दूसरे को जानते हैं, और यहाँ पे भाई जो मैं मैच लड़ना चाहता हूँ, तो भाई वो जो लड़ना चाहते हैं सेथ फ्रिकिन रॉलिंस, यहाँ पे सिर्फ सेथ रॉलिंस से नहीं, वो भाई अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स से भी लड़ना चाहते हैं, कहते भाई ना ही मैंने सेथ रॉलिंस के साथ कभी रिंग में स्टेप किया और ना ही कोडी रोड्स के साथ स्टेप किया, तो भाई मैं दोनों के साथ जो रिंग में स्टेप करना चाहूंगा लड़ना चाहूंगा। अभी अभी जो भाई कोडी रोड्स से मैं मिला हूँ पिछले कुछ दिनों में, उसने अभी अभी जब ज्वाइन किया मैंने उसको मैचेज भी देखे, और भाई मुझे काफी मुझके मैच जो अच्छे लगे और काफी मुझे कूल लगे कि अगर मैं इन दोनों के साथ लड़ पाता हूँ, और वो भी लड़ना चाहते हैं बस सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स और द मिस से, देखते भाई किसके साथ इनका मैच होता है। बात करेंगे भाई हैप्पी बर्थडे के बारे में, यहाँ पे भाई 2-3 दिन में काफी ज्यादा हैप्पी बर्थडे निकल गया, मैं जो बताना भूल गया, सबसे पहले भाई हैप्पी बर्थडे विश करेंगे मॉन्टेस फोर्ड को, वो हो चुके 32 साल के और इनका बर्थडे गए हुए 3 दिन हो गए लिटरली, मुझे माफ करना मैं भूल गया था। और सेकंड हम यहाँ पे विश करने वाले द फिनोमिनल वन द हाउस सॉरी द फेस दैट रन द स्मैकडाउन AJ स्टार हो चुके 45 साल के, और AJ स्टार का बर्थडे जो अभी मतलब 18 घंटे पहले खत्म हुआ, तो भाई उसके लिए जो मैंने बता दिया होगा बर्थडे विश, लेकिन भाई अचीवमेंट्स कौन बताएगा, तो पहले भाई मॉन्टेस फोर्ड के अचीवमेंट, तो यहाँ पे वो 2 बार है ना बन चुके हैं रॉ टैग टीम चैंपियन, मुझे भाई यही याद है, इससे ज्यादा मुझे कुछ याद नहीं है। इसके अलावा बात करें तो भाई AJ स्टार के अचीवमेंट के बारे में, तो AJ स्टार हमारे 2 टाइम WWE चैंपियन, 1 टाइम IC चैंपियन, 3 टाइम US चैंपियन, 2 टाइम TNA वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, 3 टाइम NWA वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, ये कहाँ के चैंपियनशिप है, 2 टाइम IGWP हैवीवेट चैंपियन, 15th ग्रैंड स्लैम चैंपियन और 1 टाइम जो रॉ टैग टीम चैंपियन है, तो भाई ये कुछ थे AJ स्टार के अचीवमेंट। जैसे बात करें भाई लिम मॉर्गन के बारे में, तो लिम मॉर्गन भी जो फाइनली डेब्यू करने वाली एक फिल्म है और फिल्म का नाम होने वाला द किल जूम, भाई काफी खतरनाक सा डरावना सा नाम है, और इसमें जो डेब्यू करने वाली है देखता हूँ इसके बारे में कुछ और पता चलेगा फिल्म के बारे में तो मैं आपको बता दूंगा, तो फिलहाल यही अपडेट है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे अपडेट के बारे में, जो कि जरूरी है ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल करंट एंड फ्यूचर यूनिवर्सल चैंपियन एक्नॉलेज हुई रोमन रेंस के बारे में, तो यहाँ पे भाई रोमन रेंस जो ब्लड लाइन के जो फ्यूचर प्लान्स निकल के आ चुके हैं, सबसे पहले बात करेंगे भाई ब्लड लाइन मतलब उसोस के फ्यूचर प्लान्स के बारे में, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डेम मेल्जर रिपोर्ट है, तो अकॉर्डिंग टू डेम मेल्जर उसो रिलायंस का नाकामुरा इज नॉट शेड्यूल फॉर हैन इज सेल पेपर व्यू, कहते हैं भाई संडे के लिए जो ये मैच है शेड्यूल नहीं किया गया है, तो भाई डेम मेल्जर के हिसाब से ये मैच जो है इन सेल पेपर व्यू में नहीं होने वाला है, तो भाई फिलहाल हटा दो। यहाँ पे डेम मेल्जर ये बात
भी करते हैं कि भले ये मैच जो हेल इन सेल में नहीं हो रहा है, लेकिन ये मैच जो हो सकता है भाई MITB 2022 मतलब मनी इन द बैंक पेपर व्यू में ये मैच हमें देखने को मिल सकता है उसोस वैसे रियल एंसेंस का नाकाम हो रहा। फिर यहाँ बात करते भाई रोमन रेंस के बारे में, कहते भाई रोमन जो अभी एडवर्टाइज नहीं है, लेकिन हो सकता है भाई फ्यूचर में जो रोमन को एडवर्टाइज कर दिया जाए, फिर जो रोमन अपने टाइटल डिफेंड कर सकते किसी और के अगेंस्ट। पहले बताया जाता भाई रिडल के अगेंस्ट टाइटल डिफेंड करने वाले, लेकिन भाई फिलहाल जो है रिडल के अगेंस्ट नहीं करने वाले, किसी और के अगेंस्ट कर सकते या फिर हो सकता है भाई ना भी करे। फिलहाल करे तो मामला भाई 50-50 रोमन का टाइटल डिफेंड करने का मनी इन द बैंक में अकॉर्डिंग टू डे मैच। अब देखते भाई आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी वीडियो का इन्फॉर्मेशन दी मैं मिलता हूँ उसी नए वीडियो के साथ।